अस्सलामुअलैकुम, मैं मोहम्मद अब्दुल हक खमर, अब तहरीक मुस्लिम सब्बान का वाइस प्रेसिडेंट। आज मैं बड़े खुशी के साथ अवामुन्नास के सामने मैं पार्लियामेंट की जो आज बिल पास हुई है उसको मैं मुबारकबाद देता हूँ। और मैं ये बात वाजे करना चाहता हूँ, भले हम मज़हब के मामले में जो भी तकसीम करने वाले हैं उनके हम खिलाफ़ हैं, हम हमारा आयन हमारा जो दस्तूर है वो तमाम मज़ाहब के लोगों को आज़ादी के साथ रहने का इजाज़त देता है। और जो लोग डिवाइडर रूल की पॉलिसी अख्तियार करते हैं, भले वो बीजेपी हो या कोई और जमात के लोग हो, हम उनके खिलाफ हैं। और हम ये बात से आज हम इस बात से खुश हैं क्योंकि बिल में आधार कार्ड को लिंक कर दिया गया है। और आधार और इलेक्शन में जो लोग गुंडागर्दी से जीतने वाले थे, जो लोग अपने मजल की पावर से कुछ जीतने वाले थे, जो लोग पैसे की दौलत को अपने इस्तेमाल करके लोगों को खरीद के वोट डालने वाले थे, ये तमाम के लिए एक बेहतरीन आज का जो पार्लियामेंट में जो बिल पास हुआ है ये तमाम के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी की बात है। तमाम के लिए जो लोग जो नाजायज़ तरीके से 100-100 वोट डाल के अपने लोगों को 100-100 आदमियों को हर बोलिंग बोर्ड पर ठहरा करके जो नाजायज़ तरीके से वोट डाल के जो हारने वाले कैंडिडेट जो रहते थे वो भी जीत के आया करते थे, लेकिन आज जो बिल पास हुआ है इससे हमें उम्मीद है कि जो आदमी मेहनत करके और जो ग्रास रूट से आने वाला है वो जीतने के इम्कान हैं। और जो ग्रास रूट का एमएलए जब रहेगा तो जाहिर सी बात है वो ग्रास रूट के एमएलए को काम करने का भी एहसास रहेगा और ढंग रहेगा, लेकिन आजकल के एमएलए जो पहले से जो आज गुजर रहे हैं तमाम के तमाम लैंड ग्रैबर्स और ज़मीनों का कारोबार करने वाले, लोगों से लूटने वाले, छोटे छोटे कॉम्प्लेक्स बनाने वालों को यानी कि तंग करके हरासा करना और उनसे पैसों को बटोरना, ये तमाम चीज़ों से और हर वो जात गुंडागर्दी हर वो मामले में क्या बोलते हैं जो आदमी उनकी भाई नहीं सुना तो उनको पुलिस केसेस में बुक करवाना देना और उनके ऊपर यानी कि हिस्ट्री शीटर बना देना, उनको रोड शीटर बना देना, फिर उनको अपनी मर्जी से जैसा चाहे वैसा इस्तेमाल करना और अपनी मर्जी से जहाँ बने हुआ पुलिस को गलत इस्तेमाल करके अपने कुव्वतों का नाजायज तरीके से इस्तेमाल करना, ये तमाम चीज़ें जो चल रही हैं ये तमाम चीज़ों को कम से कम रोक लगने के इम्कान हैं, रोक लगेगा इसके ऊपर। और इंशाल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में अगर सही ये काम अगर होता रहा जिस तरीके से आज जो बिल पास हुई है पार्लियामेंट में, ये भले हम बीजेपी के खिलाफ हैं क्योंकि बीजेपी मजाहब के नाम पर अपनी हुकूमत चला रही है और हम मजाहब के नाम पर हुकूमत को हम उसके हम खायल नहीं हैं, हम ये चाहते हैं कि दस्तूर में तमाम मजाहब के लोगों को एक साथ एकसानियत के साथ लेके चले, हम उसके खायल हैं। और जो भी आज बिल पास हुई है बिल की हम अपने तरफ से वेलकम करते हैं और जीत के आए और उन्होंने सही तरीके से एमएलए रहे और एमपी से रहे तो उसके लिए हमें बड़ी खुशी की बात है। अस्सलाम वालेकुम।